लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। नाइन्थ क्लास की जो चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हुआ हुआ था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारा और उसको करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो सिर्फ हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ये जो 3.2 मैं करवाने जा रही हूँ, ये हमारी न्यू एडिशन जो एनसीईआरटी का आ चुका है, हम उस न्यू एडिशन के बेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम उनको प्रैक्टिकली सीखेंगे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसका थ्योरी पार्ट सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, अब हम उसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। तो मैं ऊपर हेडिंग दे रही हूँ, हमारी हेडिंग रहेगी 3.2। मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने 3.1 एक्सरसाइज को स्किप किया है क्योंकि वो एग्जाम्स में उसकी कोई भी डिमांड नहीं रहती है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। और 3.2 में हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं और मैं उस थ्योरी के क्वेश्चंस को आपको इस प्लेन पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। मैं फिर से शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और वर्टिकल लाइन ही हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस कहलाती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे लिए परपेंडिकुलर एक्सिस भी है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आती है। और एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये भी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस होती है और इसका नाम एक्स एक्सिस होता है, यानी कि आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपके लिए एक्स एक्सिस ही हमेशा रहेगी और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है ये आपके लिए हमेशा वाई एक्सिस रहेगी। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों ही एक्सिस आपके लिए परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों के यहाँ पर मीटिंग पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मैंने एंगल बताया है कि 90 डिग्री का बनेगा, मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए, कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने एंगल की बात करी है। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप प्लॉटिंग करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एरोस लगाएंगे, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको सारी डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि नंबर कटने के चांसेस बहुत रहते हैं। एरो लगाना ना भूलिएगा और लेबलिंग करना भी ना भूलिएगा। यहाँ पर आता है y और यहाँ आता है y डैश। जहाँ पर डैश आता है वहाँ पे माइनस के नंबर आते हैं। यहाँ पे आता है हमारा x और यहाँ पे आता है हमारा x डैश। ठीक, जहाँ पे डैश आया है यहाँ पे माइनस के नंबर रहेंगे, तो ये लेबलिंग करनी भी जरूरी है। तो मैंने दो बातें आपको बताई, जब भी प्लॉटिंग होगी, जब भी लोकेटिंग होगी, आपको एरोस लगाने हैं और आपको लेबलिंग भी करनी है। ठीक है, और तीसरी बात, जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो हमारे राइट साइड के टॉप पर हम स्केल भी लिखेंगे कि हमने क्या स्केल लिया है दोनों एक्सिस पे। वो जब हम प्लॉटिंग करेंगे तब हम सीखेंगे, अभी भी अगर कोशिश रहेगी मैं आपको स्केल लिखना भी सिखाऊंगी कि स्केल कैसे लिखा जाता है। स्केल क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हम स्केल नहीं लिखते तो यहाँ पर भी हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो तीसरी बात स्केल की बता दी आपको कि दोनों ही एक्सिस का स्केल लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 3.2। कुछ क्वेश्चंस प्लॉटिंग के भी सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे हम कि वहां पर थ्योरी के क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपके लिए। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस कार्टेशियन प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं, यानी कि जैसे मैंने भी करी हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी हैं,
इनके क्या नाम होते हैं, आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको डिटेल में बताना चाहा इसलिए ड्रॉ किया, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लेटी हुई लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, आई आएगा क्योंकि ये सिंगल लाइन है, सिंगल एक्सिस है, इसलिए हमने आई लगाया। एक से ज्यादा एक्सिस हो जाते हैं तो हम वहां पर ई कर देते हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में एक्सिस में आई आता है। और दोनों एक्सिस की बात करें यानी कि प्लूरल फॉर्म बोले एक्सिस की तो वो ए एक्स ई एस हो जाता है, तो इस पर भी आप फोकस करिए। तो नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल मींस खड़ी हुई लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है उसका नाम भी आपको मैंने बता दिया, उसका नाम है वाई एक्सिस, ये भी सिंगुलर फॉर्म है इसलिए आई आया है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थ्योरी पार्ट में कि कहीं पे ए एक्स ई एस इस्तेमाल किया गया है और कहीं पर ए एक्स आई एस इस्तेमाल किया गया है, तो उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है कि सिंगुलर है, एक एक्सिस की बात हो रही है तो आई लगाया, दोनों एक्सिस को कंबाइन में बात होगी तो हम ई लगा देंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। अगर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिया है हमने प्लेन पर, तो जो चार पार्ट्स हमें मिल चुके हैं, यानी कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का क्या नाम होगा। अगर आपने मेरी पिछली अपलोडेड वीडियो नहीं देखी जो इसी चैप्टर से रिलेटेड थी, तो प्लीज वहां पे जाइए, उस वीडियो को प्ले करिए, वहां पे आपको डिटेल में मिलेगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि हम हर पार्ट को कॉन्ग्रेंट कहते हैं, हमारा ईच पार्ट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ये हमारे चार पार्ट होते हैं और आपसे पूछा ये गया है कि हम हर पार्ट को क्या कहते हैं, तो हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ में ऑर्डर भी लिख के दिखाया है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज फिर से आपको डिटेल में दे रही हूँ, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो हमारे को इसके सेकेंड पार्ट का, यहाँ पे मैंने सेकेंड पार्ट मेंशन कर दिया है कि हमारे जो सेकेंड पार्ट का आंसर है वो है क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि हर पार्ट को क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेंट, और टोटल पार्ट्स होते कितने हैं, तो आप कहेंगे देयर आर फोर पार्ट्स, और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, तो इसका नाम रहेगा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, वो है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, मीटिंग मतलब होता है मिलना, दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। कई बार बुक की लैंग्वेज इंटरसेक्ट बोलेगी, कई बार बुक की लैंग्वेज मीटिंग पॉइंट बोलेगी, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। और आपसे पूछा ये गया है कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। मैंने बता चुकी हूँ आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाए
साथ में क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए जिसमें आपसे ये बोला जाए कि इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 0, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा x भी 0 होता है और हमारा y भी 0 होता है, राइट? आपको समझ में आया? जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो स्टाइल भी मैंने आपको बताया है, कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, और पहला पॉइंट हमेशा x का आता है, दूसरा पॉइंट हमेशा y का आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से लिखते हैं, और एक नई बात कि हम x कोऑर्डिनेट का क्या नाम बुलाते हैं या क्या नाम उसका अदर नेम होता है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। आज फिर से बता रही हूँ कि जो हमारी x की पॉइंट होता है जिसे x कोऑर्डिनेट कहते हैं उसका एक नाम होता है एब्सिसा। आपको ये बात याद रखनी है कि एब्सिसा आपके लिए एक नया वर्ड नहीं रह जाना चाहिए जब आप ये चैप्टर कर लें, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में x कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा लिखा आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि x का पॉइंट एब्सिसा होता है और y का पॉइंट ऑर्डिनेट होता है। तो दोनों नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं, बट याद करने बहुत बहुत जरूरी है अगर आप अपने मार्क्स नहीं कटवाना चाहते। x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट होता है। दो नाम आपको याद कर लेने हैं। और इस प्लेन को क्या कहते हैं, ये भी एक नया नाम है। इस प्लेन को जहाँ पर दोनों एक्सिस ड्रॉ की जाती हैं एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, या फिर एक्स वाई प्लेन कहा जाता है, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। आपको तीनों ही नाम पता होने चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटे। कंफ्यूज करने के लिए कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि उस प्लेन को जहाँ पर दोनों एक्सिस ड्रॉ की जा रही हैं वो प्लेन हमारे लिए कार्टेशियन प्लेन भी है, वही प्लेन हमारे लिए एक्स वाई प्लेन भी है, और वही प्लेन हमारे लिए कोऑर्डिनेट प्लेन भी है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन थ्योरी के, जिसके साथ हमने थोड़ी सी और डिटेल जोड़ दी। और नेक्स्ट वीडियो में भी प्लीज आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट होने के लेवल पर होगा, तो आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा। और अगली एक्सरसाइज भी यहाँ पर अब एडिटिंग हो चुकी है, डिलीटेड है वो। आप जब पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको 3.3 नजर आएगी, लेकिन न्यू एडिशन में अब 3.3 डिलीटेड है वो पोर्शन। तो 3.2 ही इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। गुड बाय दोस्तों।